भारतीय फुटबॉल टीम की कप्तान अष्टम उराव की ये माँ है जो यहाँ पर मजदूरी कर रही हैं। ये अष्टम उराव के पिताजी हैं जो यहाँ पर गिट्टी उठाकर बेलचा से दे रहे हैं, रोज कर रहे हैं काम। हाँ हाँ, इतना भारी उठा लेते हैं माता पे। तो सोचते छुआ उनके पोसो पालव, तो अपनी पोसो पालव छुआ उठा के देखे कितना भारी। आप समझ सकते हैं कि इतने भारी वजन उठाकर हर दिन इनकी माँ और पिताजी ये बालू उठाकर यहाँ पर मशीन में फेंक रहे हैं। कितना पैसा मिलता है? 250। एक दिन का 250? हाँ, रोज पैसा मिल जाता है? नहीं, सप्ताह महीना दिन। बेटी इतना बड़ा आदमी बन गई और आप क्या करेंगे? तो हमारा पास पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है। नहीं, लेकिन गांव का तो विकास देख रहा है, अभी चालू हो गया है सर। लेकिन ये गरीब माँ और गरीब बाप जिन्होंने इतना संघर्ष करके अपनी बेटी को इंटरनेशनल तक पहुंचाई, उसका कुछ नहीं हुआ है सर। इसके लिए पहल करे सरकार, मेरा यही रिक्वेस्ट। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप में जिस अष्टम उराव का चयन हुआ है, अष्टम उराव जो इस फुटबॉल टीम का कैप्टन बनी है, उनके गांव में हम आए हुए हैं। दरअसल गुमला जिले के बिशुनपुर के बनारी गांव में उनका घर है और उनके घर तक आने के लिए सड़क नहीं थी। जैसे ही अष्टम उराव फेमस हुई, उनके गाँव में ये सड़क बन रही है और डीसी के आदेश पर यह सड़क बन रही है। खास बात यह है कि इस सड़क में जो काम चल रहा है, इसकी माँ और पिताजी दोनों मजदूरी कर रहे हैं और हर दिन इन्हें मेहनताना मिल रहा है। ये अष्टम उराव की माँ हैं, आप देखिए यहाँ पर ये बालू उठाकर उधर मिक्सर मशीन में डाल रही हैं और वहाँ पर जो है मसाला असाना जा रहा है। आप देखिए, ये इनकी माँ हैं, ये हर दिन मजदूरी करती हैं और अभी चूँकि इनके घर के सामने ये सड़क बन रहा है तो इसमें भी ये मजदूरी कर रही हैं और इन्हें हर दिन 250 रुपये मिल रहा है। भारतीय फुटबॉल टीम की कप्तान अष्टम उराव की ये माँ हैं जो यहाँ पर मजदूरी कर रही हैं। इनके पिताजी भी यहीं पर इसी सड़क में, जो अष्टम उराव के घर के ठीक सामने सड़क बन रही है, इसमें मजदूरी कर रहे हैं। आप देखिए, ये अष्टम उराव के पिताजी हैं जो यहाँ पर गिट्टी उठाकर बेलचा से दे रहे हैं। आप लोग इसी सड़क में मजदूरी कर रहे हैं? कितना पैसा मिलता है? 250। बेटी तो इतना बड़ा बन गई? बनी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हम लोग को पैसा कमाना। अपना काम नहीं छोड़ सकते? नहीं नहीं, वो कुछ पैसा वैसा कमा लेगी तो छोड़ दीजिएगा। नहीं नहीं, क्या कैसे अपना धंधा छोड़ेंगे, कुछ तो करना ही है। बहुत मेहनत लगता है इसमें? हाँ, तो मेहनत तो लग काम है। तो आप हमेशा ये मजदूरी करते? पहले कहाँ करते? पहले मैं बेंगलोर में कर रहे थे। अभी आए तो ये सब कर रहे हैं? हाँ, यहाँ के ही सब कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो है पहले बेंगलोर में काम करते थे और छुट्टी में ये घर आए हुए हैं और उसके बाद जब ये सड़क यहाँ पर इनके घर के ठीक सामने बन रही है तो इस सड़क निर्माण में ये इनके पिताजी यहाँ पर लगे हुए हैं। आप देखिए, कई मजदूर हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनीषा। आप भी यही गाँव की रहने वाली? नहीं, बाहर से आए हैं। हाँ। अष्टम उराव को जानते हैं? नहीं नहीं जानते हैं? अरे, उन्हीं के नाम से सड़क बन रहा है? नहीं पता, हम लोग दूसरे गांव का हिस्सा नहीं। आपको कितना पैसा मिलता है? 250। सबको 250 रुपया? हाँ। आपका नाम? तारा। तारा, अष्टम को जानते हैं? नहीं। आप भी नहीं जानते? नहीं। ये अष्टम उराव को ये लोग नहीं जानते हैं। यहाँ पर देखिए, बालू लगातार जो है उठाया जा रहा है। अष्टम उराव की माँ है और उनके साथ साथ कई और जो लोग हैं वो हैं, रोज कर रहे हैं काम। हाँ हाँ हाँ, इतना भारी उठा लेते हैं माता पे। तो सोचते छुआ उनके पोसो पालव, तो अपनी पोसो पालव छुआ उठा के देखे कितना भारी है। बहुत भारी है। कितना पैसा मिलता है? 250। एक दिन का 250? हाँ, रोज पैसा मिल जाता है? नहीं, सप्ताह महीना दिन। बेटी इतना बड़ा आदमी बन गई और आप क्या करेंगे? तो हमारा पास पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है। नहीं, इसीलिए करना पड़ता है? हाँ, करना पड़ता है। पहले भी रोज करते थे? हाँ, रोज 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 काम। अभी आगे भी करेंगे? हाँ, नहीं आप नहीं करेंगे। आगे पैसा कमा लेंगे, अब नहीं करिएगा? नहीं नहीं, आराम करिएगा। हाँ, हाँ। कमजोरी लगता है शरीर में? नहीं, आप बेटी बड़का बनेंगे तो मैं काल काम आबू आप। देखिए, ये अष्टम उराव की माँ, देखिए हम उठा के कितना भारी है, देखे क्या भारी है। तो देखिए, ये इतना भारी जो है उठाकर अपनी ले रही है। आप समझ सकते हैं कि इतने भारी वजन उठाकर हर दिन इनकी माँ और पिताजी ये बालू उठाकर यहाँ पर मशीन में फेंक रहे हैं।
मैं उठाकर चल नहीं। ये इतना वजन है कि हमारे और आपके बस की बात नहीं है कि इसे उठा के हर दिन दिन भर यहाँ पर काम कर सके। लेकिन यहाँ पर देखिए जो लड़के हैं जो लड़कियाँ हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं और हर दिन उठा रही हैं। बहुत भारी लगा एक बार में तो मेरा हालत खराब हो गया। थकती नहीं है? नहीं, हाँ आदत हो गया है। ये सड़क कब बनना शुरू हुआ? एक दो महीना हुआ थे बनन। हमारे साथ गांव के मुखिया जी हैं, वो बताएंगे आखिर इस सड़क के बारे में। आइए इधर आइए, आप मुखिया हो गए? जी मैं मुखिया हूँ। मेरा नाम बसनू राम है, इसी गांव का हूँ। ठीक है बसनू राम जी जी जी। तो ये सड़क कब से बननी शुरू? ये सड़क लगभग एक सवा महीना से बन रही है, ब्रेक होके बन रही है। अच्छा। लगातार नहीं बन रही है तो पानी के चलते डिस्टर्ब हो गई थी। पानी नहीं था? नहीं पानी आ रहा था ना, था डिस्टर्ब। ये अष्टम उराव के नाम से ही सड़क है? हाँ बिल्कुल, ये डीसी सर आए थे अष्टम उराव के नाम से, पहले प्राथमिकता ही रोड को दिए हैं। गांव में बहुत उबड़ खाबड़ थे, ये रोड को दिए हैं और सेकंड में बोले हैं कि वो स्टेडियम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन गांव का तो विकास देख रहा है, अभी चालू हो गया है सर। लेकिन ये गरीब माँ और गरीब बाप जिन्होंने इतना संघर्ष करके अपनी बेटी को इंटरनेशनल तक पहुंचाई, उसका कुछ नहीं हुआ है सर। इसके लिए पहल करे सरकार, मेरा यही रिक्वेस्ट है। क्या होना चाहिए इसके लिए? अभी तक मैं देखते आया हूँ 4-5 जो बच्चे हैं ना, इसका पढ़ाई कर रहे हैं, मजदूरी कर करके इन्होंने जो किसी तरह मतलब ये आगे बढ़ा रहे हैं। दुख तपड़ा तो सुनाते हैं सर, सुनते हैं हम भी, लेकिन सरकार पहल करे इसके लिए। मेरे पहल किया जाए बच्चों के पढ़ाई, बच्चों के पढ़ाई के लिए व्यवस्था किया जाए। इसका मकान खपरेल का है, इसी में इतना परिवार रहते हैं और इसका जमीन जगह भी उतना नहीं। इसको प्रधानमंत्री आवास योजना? नहीं नहीं मिला है सर, नहीं मिला। आप लोग पास नहीं करवाए? बिल्कुल, अभी तो मैं फिलहाल में बना हूँ, 2-4 महीना भी पंचायत सेवक आए फिर बदल होते, हम लोग का 3-4 महीना इसने गुजर गया है। मैं नवनिर्मित मुखिया हूँ। एक लड़की से लग रहा है कि विकास हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, कभी गांव वाले कभी नहीं देखा था ऐसा, नहीं देखा, नहीं ऐसा नहीं देखा। देखिए एक व्यक्ति के प्रसिद्ध हो जाने के बाद गांव किस तरह से बदलने लगता है, वो तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये अष्टम उराव का जो गांव है उसकी सड़क जो है यहां पर बनाई जा रही है। आप बताइए कि आपके बच्चों का अगर पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था सरकार कर दे तो आपको काम करना पड़ेगा? नहीं नहीं करना। नहीं नहीं, नहीं कीजिएगा, नहीं करेंगे। कितना उम्र हो गया आपका? लगभग 40 तो नहीं पहुँचे थे। 40 अभी नहीं हुआ? नहीं 40 हो गया? हाँ चाहे हो गया 40-50। अब काम करने का मन नहीं करता? आप छुआन बड़का बोले तो मुझे कमाते रहो, आप नहीं कमा पा। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि काम करने का मन नहीं करता है फिर भी काम करना पड़ रहा है। और इसी ये जो सड़क बन रही है, हम आगे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से धड़ाधड़ सड़क का निर्माण किया जा रहा है। पहले ये पत्थर बिछाया गया है और पत्थर के ऊपर इधर से ये ढलाई का काम जो है होते आ रहा है। आप देखिए उधर से उनके माँ और पिताजी मसाला लाकर इसमें डालते हैं, यहाँ पर मसाला बनता है और ये सड़क इस तरह से यहाँ पर ढलाई किया जा रहा है सड़क में। ये अष्टम उराव की वजह से ही और अष्टम उराव के नाम से ही ये सड़क का निर्माण जो है यहाँ पर किया जा रहा है। आप इसे देखकर समझ सकते हैं कि अष्टम कैसे अपने गांव की तस्वीर बदल रही है और न सिर्फ अपने गांव, अपने जिला और अपने राज्य का नाम रोशन कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्वीर खुद अष्टम उराव देखेगी या फिर सरकार जब देखेगी तो उनके मन में इस बात का मलाल रहेगा कि जिस माँ बाप ने इतने संघर्ष करके अपने बच्चे को इंटरनेशनल स्तर तक पहुँचाया, आज वही माँ बाप उसी हालत में जीने को मजबूर हैं, उसी तरह मजदूरी दिहाड़ी मजदूरी करने को मजबूर हैं। ये चाहते हैं कि इनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था सरकार के तरफ से करवाई जाए। और ये पीछे जो आप घर देख रहे हैं खपड़ेल का, ये खपड़ेल का घर पक्के का बन जाए ताकि बारिश हो तो भी ये चैन की नींद इस पहाड़ों के नीचे जो इनका घर है इसके नीचे ये आराम से ले सकें। तो ये तस्वीर
हम गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के बनारी गांव से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अष्टम उराव का चयन इंटरनेशनल फुटबॉल टीम में अंडर 17 जो फीफा वर्ल्ड कप है उसके लिए हुआ है और उसके बाद कैसे कैसे गांव की तस्वीर बदल रही है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in